लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ एक्सरसाइज 16A, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. क्वेश्चन नंबर 47 इज इन द गिवन फिगर. इस फिगर में अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. एक सर्कल बना हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल. हमें रेडियस निकालना है इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का. एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और एरिया निकालना है इस शेडेड रीजन का, जिसमें रूट थ्री की वैल्यू 1.73 लेनी है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहा है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर. अब साइड दे रखी है तो एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का, बाद में भी निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड स्क्वायर ये होता है. तो रूट थ्री की वैल्यू 1.73 कह रहा था, इंटू साइड है हमारा 12 इंटू 12 अपॉन फोर. तो ये कितना आ गया, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 173 इंटू 12, 3 ज़ा 36. तो यह 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, 43, 6 1 ज़ा 6 एंड 10, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 4 5. तो यह 8 12 2 एंड 6, तो यह 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें वो कह रहा है इस सर्कल का रेडियस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये हाइट पता होनी चाहिए. तो कैसे निकालेंगे ये हाइट, देखिए ए बी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है. अब बी डी कितना आ जाएगा, क्योंकि डी जब भी हम किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से बेस पे कोई भी लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, तो वो मिड पॉइंट पे आती है. तो बी डी क्या होगा, बी सी का आधा, और बी सी थी हमारी 12 अपॉन 2, तो इसका मतलब ये 6 आ गई, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गई और ये भी 6 सेंटीमीटर आ गई, राइट. तो अब हम ए डी निकाल लेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए डी बी. तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम ए डी निकाल लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, बी डी स्क्वायर के प्लस ए डी स्क्वायर के. तो ए बी क्या थी हमारी 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी था हमारा 6 प्लस ए डी का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर है 36 प्लस ए डी स्क्वायर. तो ए डी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, दैट इज 144 में से 36 माइनस हुआ, तो ए डी स्क्वायर आ गया हमारा 14 में से 6 गया 8 एंड 13 में से 3 गया 10. तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 108 की वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायर रूट में से. तो ये आया 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा, तो 1 3 और 1 2 बाहर आ गया. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 3, और रूट थ्री की वैल्यू वो कह रहा था 1.73. एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस रूट थ्री की वैल्यू 1.73 गई थी. तो ये आ गया हमारा ए डी की वैल्यू, 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 42 43 4 कैरी 10 सेंटीमीटर आ गई. तो इसका मतलब ये पूरी ए डी आ गई 10.38 सेंटीमीटर. और हमने, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब भी ट्राइंगल इक्विलेटरल हो और उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड हो, तो ये जो हाइट होती है वो थ्राइस ऑफ रेडियस होती है, राइट. तो हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज
इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ रेडियस. तो देखिए हाइट कितनी है, अब हाइट एडी थी, एडी को हम 6√3 ले रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसलिए मैं 6√3 ले रही हूँ. इक्वल्स टू 3R, तो R कितना आ गया 6√3/3, तो यार 3 2s are 6, तो ये आ गया हमारा रेडियस 2√3. अब R आ गया है हमारा, रेडियस आ गया है 2√3 cm, तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया हमारा, दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू वो कह रहा था 3.14 लेनी है, आर है हमारा 2√3 × 2√3, तो ये कितना आ गया 3.14 × 2 2s are 4 √3 × √3 is 3, तो ये आ गया 3.14 की मल्टीप्लिकेशन 12 में. तो 2 4s are 8 2 1s are 2 2 3s are 6, 4 1 and 3, तो ये आया 8 6 7 3, दो के बाद पॉइंट लग गया, तो ये आया 37.68 cm². अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे. देखिए अगर मैं ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो शेडेड रीजन आ जाएगा. तो हमने कहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आया था, दैट इज 62.28, तो यह आया 62.28 में से माइनस हो गया 37.68, तो आ गया 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6 पॉइंट, 11 में से 7 गया 4 एंड 5 में से 3 गया 2, तो 24.6 cm² हमारा क्या आ गया इस शेडेड रीजन का एरिया आंसर.